त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसमें दिवाली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। दिवाली से कुछ दिन पहले ही प्रशासन द्वारा परमिशन मिलने के बाद लोग पटाखों की दुकान भी लगाते हैं। दिवाली की रात को भी की जाने वाली आतिशबाजी के कारण कई जगह आग भी लग जाती है। इसे लेकर फायर ब्रिगेड विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। आग की घटनाओं को देखते हुए अम्बाला फायर ब्रिगेड ने कमर कस ली है। इसके लिए फायर कर्मचारियों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। अम्बाला कैंट फायर ब्रिगेड के पास इस समय 6 बड़ी गाड़ियों के अलावा 2 छोटी गाड़ियां हैं और एक बाइक भी है। बता दें, पूरे देश में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए लोग पहले से ही खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। दिवाली के मौके पर बाजार भी दुल्हन की तरह सज जाते हैं। दिवाली के अवसर पर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं दिवाली पर आग लगने की घटनाएं भी अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके लिए अम्बाला फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके लिए फायर कर्मचारियों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस बारे में जब फायर स्टेशन ऑफिसर TR पालीवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दीपावली के त्यौहार को लेकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 बड़ी 2 छोटी गाड़ियों के अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए एक बाइक भी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की 12 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट में लगाई गई है और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं फायर ऑफिसर प्रमोद का कहना है कि दीपावली के त्यौहार को देख लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट है और हम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि वह छोटे पटाखे ही चलाए और खुले में चलाए, जिससे आगजनी की कोई घटना घटित न हो। दिवाली को लेकर 2-3 दिन हमें स्टाफ की 12-12 घंटे ड्यूटी लगाएंगे और गाड़ियां हमारी तैयार हैं। हमारे पास टोटल 10 हैं, एक बाइक है, एक रिकवरी वैन है, स्टाफ को मतलब चेंज करनी है, और हमारे पास 6 बड़ी गाड़ी हैं और 2 स्मॉल फायर इंजन है। स्टाफ की तो काफ़ी कमी है। दिवाली के शुभ पावन अवसर पर गांव शहर वासियों से यही प्रार्थना करेंगे, पटाखे खुले में जलाएं और छोटा पटाखा जलाएं जो सरकार के हिदायत अनुसार है, बड़ा पटाखा ना जलाएं जिससे कोई नुकसान हो, कोई जानी नुकसान हो जाए। फायर ब्रिगेड हमेशा तत्पर है, स्टाफ की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई है और सारी गाड़ियां रनिंग कंडीशन में है। खबर नामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।